यही मम्मी का डाउट क्लियर कर देते हैं कि कान्हा जिस दिन जन्म हुए ना उसी दिन जन्माष्टमी होती है। तो भाइयों मैं जैसी ऊपर लाइक करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे मेरे चैनल नू, मेरी नवी नवी वीडियो देखने लाई कड़ी पकोड़े खाते रहे। तो भाइयों ये है क्या बन रहा है यहाँ पे, कड़ी चावल। तो भाई ये है कड़ी चावल, मैं आपको दिखा देता हूँ। गरम तलू, ये मेरी गलती नहीं है, ऐसी गलती है, इसमें चावल बन रहे हैं। कड़ी कहाँ है, कड़ी अंदर भाई, कड़ी अंदर दिखाता हूँ। और इसमें क्या है, इसमें भी चावल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ये देखो कड़ी है। आज जितने भी भक्त लोग आएंगे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे भाई, कड़ी पकोड़े। और आज है कान्हा की छठी, है ना मम्मी। कान्हा की छठी क्यों बनाते बताओ? क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा ने जन्म लिया था। हाँ। उसके 6 दिन बाद कान्हा की छठी होती है। जैसे सब बच्चों की होती है वैसे कान्हा की भी होती है। जैसे सब बच्चों की होती है वैसे कान्हा की भी होती है। जरा मैं आपको पकोड़े दिखा दूँ। हाँ, कान्हा की छठी तो सब बच्चों की छठी है। देखो भाई साहब डिलीशियस। तो भाई सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद चढ़ेगा। भाइयों आज है मंगलवार, आप सभी को मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम आप सभी को। तो मम्मी आपसे कुछ बात करना चाह रही है, चलिए गाइस आपसे भी को मम्मी से बात करा देते। मम्मी भाई बहुत लेट करती गाइस, आ जाओ, दर्शक तैयार है आप सभी को देखने के लिए। भाई मम्मी आ चुकी है और मम्मी से पूछते हैं कान्हा जी की छठी क्यों बनाई जाती है और छठी क्या कहते हैं। कई लोगों को पता नहीं होगा छठी किसको कहते हैं, छठी क्या मतलब, जो भी है छठी के बारे में नहीं पता होगा। तो मम्मी कान्हा जी की छठी क्यों बनाई जाती है? कान्हा की छठी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी छठी होती है, क्योंकि कृष्णा ने जन्माष्टमी को जन्म लिया। जन्माष्टमी को जन्म लिया, जिस दिन की जिंदगी जन्म हुए ना उसी दिन जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी को पहले जन्माष्टमी को तो जन्म लिया, तो जन्माष्टमी को गाइस मेरी माँ थोड़ी सी दिमाग से है, हिल गई बोल। जन्माष्टमी वाले दिन जन्म हुआ था इसलिए 6 दिन बाद जन्माष्टमी वाले दिन जन्माष्टमी। अरे भाई जैसे किशन जी के जन्म को जन्माष्टमी कहते हैं, जन्म अष्टमी। भाई मेरी माँ को तो पता ही नहीं, मैं जबरदस्ती कैमरा आगे कर फिर दोबारा मम्मी बताना चाहेगी। कान्हा की जन्माष्टमी तो हमने बड़े धूमधाम से बनाई है, कान्हा का जन्म जन्माष्टमी पे हुआ था इसलिए। मम्मी का डाउट क्लियर कर देते हैं कि कान्हा जिस दिन जन्म हुए ना उसी दिन जन्माष्टमी होती है, यूं नहीं कि जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा का जन्म हुआ। मम्मी तो बिल्कुल ही अलग ले गए जन्माष्टमी को। तो भाई मम्मी से दोबारा पूछते हैं, बताओ मम्मी बताओ कान्हा का जन्म हुआ था और उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है बड़े धूमधाम से, बड़े उससे। हाँ। और फिर 6 दिन बाद कान्हा की छठी बनाई जाती है। ठीक है। इस दिन कान्हा को स्नान करवाते हैं, ठीक है, दही से और इनसे पूजा की जाती है, घी का दिया जलाया जाता है, स्पेशल कड़ी चावल और भोग लगाया जाता है, कड़ी चावल का स्पेशल कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। और जो घी का दिया जलाते हैं उसमें काजल बनाते हैं और लड्डू गोपाल को उसमें काजल लगाते हैं कि किसी की नजर ना लगे, और बाहर वालों को दर्शन भी नहीं कराते और किसी दूसरे बंदे को भी दर्शन ना कराए। जैसे अपने लल्ला को, जैसे कि हम छठी पूजते हैं किसी बाहर वाले को नहीं दिखाते, तो इससे लड्डू गोपाल जी को भी किसी बाहर वालों को नहीं दिखाते क्योंकि लल्ला को नजर लग जाएगी। जैसे आपको पता ही है कि जितने भी यूट्यूबर होते हैं उनके वो अपने बच्चे रिवील नहीं करते कि भाई 6 दिन के बाद रिवील करेंगे, नजर लगने का कारण यही होता है ना मम्मी। जितनी जल्दी बच्चे को दिखा दोगे बाहर वालों को तो बाहर वाले बोले वाह रे वाह कितना गोलू गोलू बच्चा है, क्यों मम्मी भाई ध्यान नहीं है, है ना। हाँ। तो इस वजह से कान्हा जी को घी जो घी का दिया होता है ना उसके ऊपर चम्मच रख के जो काला काला ऊपर धुआं आता है ना फिर उसपे काला काला धुएं से जो ऊपर रंग काजल जैसा बन जाता है उससे काजल लेके कान्हा जी को काजल लगाया जाता है जिससे उनको नजर ना लगे, क्यों मम्मी सही बोला ना मैंने। हाँ। बिल्कुल सही बोला। और कड़ी चावल बन चुके हैं आपके? और कड़ी चावल का भोग लगाते हैं कान्हा जी को। वेरी बेस्ट, बहुत बार रीटेक लेने के बाद ये वाला बहुत अच्छा आ चुका है। तो मंदिर जाने की तैयारी करते हैं, 1 2 3 चले नीचे चलते आरती के लिए। आरती के लिए तो भाई पहले आरती कर लेते।
few moments later. तो भाई मिलो हमारे छोटे से काशी सब्सक्राइबर से, काशी नाम है तेरा? यस। तो भाई वीडियो देखता पूरा वहाँ कैसे लगती है? मस्त, बढ़िया लगती है। तो भाई जन्माष्टमी वाली ही देखी थी? डीजे काशी व्लॉग, डीजे काशी व्लॉग, बहुत तगड़ा डीजे, आके सब्सक्राइब कर लो, है ना। हमने प्रसाद बांट दिया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं कमेंट करके इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट में बस जय श्री राम लिख दो। क्यों जय श्री राम, जय श्री राम लिख दो, मैं समझ जाऊँगा आप खुश हो इस वीडियो से। जैसे हम घर पर आए तो यहाँ पर सारे रिश्तेदारों के यहाँ पर हम कड़ी बांटेंगे। आप जैसे आप देख पा रहे हो कड़ी बांटेंगे, कड़ी बांटेंगे। क्यों गंजी, है ना, है ना। हरी बोल, बोल दे हरी बोल। बहुत बढ़िया, शानदार। तू ही बोल बेटा, अरे बोल जय श्री राम। तो भाइयों टेस्ट करके बताओ हमारा प्रसाद कैसा बना। चलो टेस्ट करके बताओ मम्मी, गाइस को टेस्ट अच्छा लगा? बेटा तेरे से तो पूछा ही नहीं क्या खाए करो। ये भाई ये कैसे है? ये ठंडे हो गए ना, ठंडे हो गए भाई, ना गीमचे गीमचे से हो गए। और एक कड़ी टेस्ट करके बताओ, कड़ी एकदम बढ़िया। ये तो सब मजा आ गया, लोटा भर के कड़ी ले ली। पंडित जी ने, पंडित जी को पसंद आ गई। शैली ले, तेरी बारी रिव्यू देने की, टेस्ट कैसा है प्रसाद? तो कोई रिव्यू नहीं होता, समझ आई? होता है प्रसाद, प्रसाद होता है, होता है जब घर में बना होता है ना तो होता है। हलवाई तो एक जैसे बनाते सारे। गाइस इसमें खट्टा दे डाला है तो खट्टी है, थोड़ी थोड़ी हलवाई टच हो रही है ना। हाँ थोड़ी थोड़ी हलवाई वाली टच हो रही है। पकौड़े तो डाले ही नहीं, डालेंगे तसल्ली रखो, चम्मच चम्मच चलाओ। तो भाई मुझे पहले टेस्ट करी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मेरा पूरा सेटअप ले लिया है। कितने का मैडम? 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट भाई, बहुत बेस्ट है। प्रिया, मंगलवार को फ्री है भाई, आ जाओ। इसी कान्हा की छड़ी जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर जो कान्हा के जो टॉयज हैं वहाँ से भाई और सारे टॉयज निकल रहे हैं, और ये जितनी भी बांसुरी है कान्हा की वो हम इन जैसे बच्चों में बांट देंगे। ठीक है, एक काम कर, इनमें से ले ले दो, एक जिया को दे दी, एक तू ले ली, ओके, क्योंकि तू बालक है। ले ली खुश, अब बोल राधे राधे, राधे राधे आप सभी को, राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। नजर की छुपा रहा, चोरी करी है? नहीं करी। फिर बोल राधे राधे, राधे राधे आप सभी को, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। ये हुई ना बात। तो भाई ये ना आज काना के साथ गया था माखन चोरी करने। ये कैमरा मुंह पे आते पीछे की हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। ओहो कृष्णा, काना की बोली भक्त। भाई टेस्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। कमेंट करना था भैया, कमेंट करना भैया। नहीं नहीं अभी बता, अभी बता, अब कमेंट करूंगा, अभी बता, अब तो कमेंट करूंगा। चलो भाई कमेंट करेगा, ये लो भाई। अच्छा ठीक है, समझ गया। काक हुआ तो भाई प्लेट चाट जाती है। तू बता ना तेरी प्लेट कहाँ होती है तुम्हारा की? कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा, ना तो सब में प्लेट नहीं छूते। इसकी लाइट में धोखे कितने लगी है बता। तो भाइयों मैं आपको एक मंदिर का किस्सा बताता हूँ, बताना। मैंने वीडियो बंद रखी, और मेरी वीडियो बना ली, फिर वीडियो चालू करके हमने जेब में फोन डाल लिया। बताओ बात में दम नहीं था, बात में दम नहीं, बात में दम नहीं। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको सारी की सारी मैंने आपको पूरा दिखाया कान्हा की छठी का, और कान्हा जी वहाँ पर भाई अभी भी झूला झूल रहे हैं। तो कमेंट में जय श्री राधे और जय श्री राम लिखना मत भूलना, और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सभी लोगों को भेज भी देना, गला खराब हो गया देखो बोलते बोलते।
इस पे इग्नोर मारो गाइस तप्पा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मंदिर वाले खाने की वीडियो बनाई है हाँ, वो भी डाली जो मैंने ड्रेस बनाई, देखा खाना कैसे। जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। कौन खा रहे भैया? मिश्री खा रहे हैं, मिश्री मीठे।